प्रवचन में कहा दो बार सुने थे आपको मुझसे, तो आप कौन हो? हम तो तिवारी हैं। तो बस फिर आगे घुमिहार की चिंता ज्यादा है। एक शंका है गुरुजी, बस बैठिए बैठिए। बनारस से जो पत्रा सत्ता है ऋषिकेश पंचांग, उसमें द्विजराज विभूति नारायण सिंह सर्मदेव ऐसा लिखा। ठीक है बैठिए। वहाँ के राजा भूमिहार थे, हमारे परिचित थे, मठ में सर्मदेव हमारे मठ में 5 दिन रहते हमारे पास। उनकी बेटी भी पहले आती थी, वो संस्कृत का अधिक विदुषी या छोटी बात। राजा जो थे मठ में 5 दिन रुके थे, और जब तक हमसे मिल नहीं लेते तब तक भोजन भी नहीं करते थे। अब उनका शरीर नहीं है। ऐसा है कि मैंने इस संबंध में कोई छानबीन करना उचित नहीं समझा। जिस क्षेत्र का शरीर है उस क्षेत्र में भूमिहार होते भी नहीं थे, और 17 साल की आयु में तो घर छोड़ चुका था। 17 साल की आयु तक खेलना पढ़ना ब्राह्मणों का गांव था। अब कौन क्या है इधर तो हमारा ध्यान भी नहीं था, लेकिन उस समय जो भूमिहार होते थे अपने को वैश्य कहते थे, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद धीरे धीरे क्षत्रिय कहने लगे, उसके बाद मैं जो बचपन से देख रहा हूँ, पहले आप अपने आप को वैश्य कहते थे, फिर क्षत्रिय कहने लगे, फिर ब्राह्मण कहने लगे, फिर ब्रह्मर्षि कहने लगे। अब कौन सी बात क्या है मैं इसमें समय नहीं लगाना चाहता, मेरी अपनी मर्यादा है भोजन करने की। ये सब ये सब मुझे मालूम है। ज्यादा बैठो। एक पहले क्या होता था, खानदानी व्यक्ति ही संन्यास लेंगे तो गुरु लोग जानते थे कि कोई धोखा नहीं देगा, ब्राह्मण है तभी संन्यास लेने आया है, दंड उन्होंने लिया। बाद में पता चला कि वो भूमिहार हैं, तब उन्होंने क्या किया, 500 दंडी स्वामी भूमिहार बना दिया। इसलिए काशी में जब भंडारा होता है तो 2 ढंग के होते हैं, भूमिहार दंडी स्वामी अलग बैठते हैं, बाकी दंडी स्वामी अलग बोलते हैं, दोनों को निमंत्रण दिया जाता है। हाँ देखा नहीं है, ऐसा होता है काशी में। भूमिहार दंडी स्वामी एक ने ले लिया, उसने अपनी बिरादरी बढ़ाने के लिए फिर वो इतनी हो गई है, वो भी 100-200 दंडी स्वामी। जब कोई भंडारा होता है तो भूमिहार दंडी स्वामी एक जगह बैठते हैं, वो बैठते हैं। इस पत्र में पढ़ना नहीं चाहता क्या, हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिहार कौन है, फिर कोई कहेगा कायस्थ कौन है। इतना ही कह सकता हूँ कि भूमिहार जो हैं वो अपने को देवर्षि माने ब्रह्मर्षि माने, लेकिन बेटी की जो मर्यादा है भूमिहार तक ही सीमित रखें, हो गया। इतना ही कृपा करें वो बहुत। आप ही उनके पुरोहित हो क्या? परंपरा से उनको यज्ञोपवीत होता ही है, परंपरा से। और परंपरा से उनके यज्ञोपवीत में अधिकृत माने गए हैं। हमारे पूज गुरुदेव भूमिहार ब्राह्मण पर ग्रंथ लिखना चाहते थे, हैं या नहीं, इन लोगों ने मना किया कि महाराज यहाँ के राजा भूमिहार हैं, मुठभेड़ मत मोल लीजिए, तो महाराज ने छोड़ दिया। ये भी मुझे मालूम क्या भूमिहार ब्राह्मण ऐसा आगे